और इस पूरे काफिला का नेतृत्व हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे सभी सीनियर लीडर सब लोग जब सामूहिक रूप से भगवान के चरणों में हम लोगों का पहुंचना होगा, जब उनका दर्शन होगा, तो वास्तव में ये एक ऐतिहासिक दिन है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गौरव का। सर, आपने सबको बुलाया, अखिलेश यादव नहीं आए कल, उन्होंने सदन में बात। देखिए, ये तो श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। यही कारण है जो समाजवादी पार्टी आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव को विरासत में गद्दी मिली है, बुद्धि नहीं। अब ये उनसे पूछिए या उनके प्रवक्ता बताएंगे। आप प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, आज पूरे दल के साथ भी जा रहे हैं, कैसा अनुभव? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान श्री राम की असीम कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि बार बार दर्शन हो रहे हैं, अहोभाग्य। तब जाएगा उनका भी निर्णय, कोई गलत नहीं हुआ, अलग से अपने जाना चाहते हैं वो जाएं। तो आज मांगेंगे क्या आप, दर्शन करेंगे तो रामलला से क्या मांगेंगे? उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है, पहली बार नहीं जा रही हूँ दर्शन करने। भगवान के रूप में हम पूछते हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि हम सभी लोगों के साथ दर्शन और आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरे विश्व ने देखा, देश ने देखा है, और उसको आज हम साक्षात वहां पर पहुंचकर हम सभी लोग, जितने भी हमारे मंत्री परिषद के और विधायक हैं, सभी लोग जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायकगण सभी पहुंचेंगे वहां पर। नहीं, डेफिनेटली, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 22 को भी जाने का मौका मिला था, और इतने कम समय में रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। उनके साक्षी बनने जा रहे हैं, अद्भुत दृश्य है, और देख रहे हैं कि सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, और सभी लोग के मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें, और वो आज नहीं तो जब भी उनको ठीक लगे अवश्य जा करके अयोध्या धाम को भी देखें और भगवान राम का दर्शन भी करें। और प्रभु की बड़ी कृपा है जो 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में मंदिर में पधारे हैं, तो ये बड़ा देश के लिए एक तरीके से राम राज्य की वापसी। जो है नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि हमारा वोट खसक जाएगा, इसलिए नहीं जा रहे, और अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहते हैं, वो दुर्भाग्यशाली है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। प्रतिष्ठा हो गई है, मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था, और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है, और हम सभी अपने सम्मानित, दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम।